Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next copy analysis of our M for Agriculture series. तो आप सबको पता है कि हमारा M for Agriculture program चल रहा है, जिसके अंदर we have admitted around 20 students और जिस जो कि daily जिसके अंदर दो parts में divided है, daily answer writing practice. The students are doing daily answer writing plus there are weekly full tests. Full test और total जो है 14 full tests हैं. हम लोग जैसे कि डेली भी जो अच्छे कॉपीज होते हैं उनमें से कोई एक जो ऑब्वियसली मेनी स्टूडेंट्स आर राइटिंग वेरी गुड आंसर्स बट वी कैन शो ओनली वन कॉपी, तो किसी एक कॉपी के हम लोग दिखाते हैं जिससे कि जो बच्चे नहीं भी ज्वाइन कर पाए इस प्रोग्राम को ड्यू टू अदर रीजंस तो भी आंसर्स को देख के थोड़े समझ पाए कि किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं आंसर्स को. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच द आंसर. तो पहली क्वेश्चन जो थी, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जस्ट वेट अ सेकंड, लेट मी ओपन द क्वेश्चंस, ओके, सो दैट इट बिकम्स more helpful to you और मैं questions वाले लिख पाऊँ. Yes, so the first question was, this is the third question actually, 20 marker question. तो ये question था, what do you understand by watershed management and benefits and issues? तो watershed management से आप क्या समझते हो? Watershed management, उसके बेनिफिट्स एंड इश्यूज क्या क्या हैं उसको डिस्कस करना था. तो लेट्स सी हाउ द स्टूडेंट्स हैज अप्रोच द क्वेश्चन इन दिस वाज 20 मार्कर. सो वी ऑल नो, और आप पॉज कर करके पूरे आंसर्स को भी चाहो तो पढ़ सकते हो, यू कैन रीड द आंसर्स. सो द वाटरशेड इज अ हाइड्रोजियोग्राफिकल यूनिट, हाइड्रोजियोग्राफिक यूनिट वेयर ऑल वाटर ड्रेन इनटू अ कॉमन आउटलेट. तो काफी अच्छे से इन्होंने ड्रॉइंग भी बना करके एक डायग्राम भी बना के दिखाया हुआ है. The students will also discuss the components of watershed such as river basin, nicely explained, geographic. Common outlet. Okay. So these are the geographic pretext जो उन्होंने दिया है, river basin को दिया है, geographic pretext दिया है, फिर common outlet के बारे में बताया. तो this is the overall components of watershed. Again here write the benefits of watershed also, ecological benefit है, जैसे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना को कंजर्व कराता है सिम्बायोटिक मैनर में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनके बीच डेवलप होती है. फिर देखो सोशल बेनिफिट, द स्टूडेंट्स विल आल्सो रिटेन द सोशल बेनिफिट्स, दैट इज इंश्योर बेसिक नीड्स ऑफ सोसाइटी, ओके, सच एज एक्सेस टू वाटर, एम्पावर वुमेन, ओके, डेवलप सोशल कैपिटल बाय लाइवलीहुड सपोर्ट. So these are the livelihood opportunities, these are the social benefits. The students have also discussed the economic benefit, that is availability of water for irrigation of crop, it in maintains the ground water level, ground it ensures the geological cycle of water. ठीक है, तो ये these are some of the economic benefit. ठीक है, agriculture के production वगैरह में काफी help करता है. ठीक है, so these are the some of the economic, सॉरी एक्वाकल्चर के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एक्वाकल्चर के ग्रोथ में हेल्प करता है, इन दिस वाटरशेड चैनल्स बेसिन चैनल्स में कर सकते हैं. दीज आर द सम ऑफ द बेनिफिट्स. उसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इश्यूज था, जो स्टूडेंट है उसने इश्यूज भी लिखा, यू कैन पॉज द वीडियो एंड ऑल्सो रीड द आंसर. और स्टूडेंट्स की थोड़ी एक प्रॉब्लम थी कि इनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी वीकर साइड में, पर ही इज डूइंग हिज बेस्ट और धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, पर काफी अच्छे आंसर्स लिखे हैं. अगर आप उसको थोड़ा साइड करो, थोड़ा अच्छे से पढ़ो, तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड वेरी गुड, वेरी वेल रिटन. जैसे कि प्रॉब्लम्स क्या है, इनिशियल कॉस्ट हाई है, ठीक है, सिविल सोसाइटी पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम होता है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, डिफॉरेस्टेशन वगैरह की प्रॉब्लम है. सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. अगेन केस स्टडी भी इन्होंने दिखाया हुआ है किस तरह से अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज रायल गांव सिद्धी अहमदनगर, जो कि एनसीईआरटी में भी मेंशन है केस स्टडीज. तो वेरी नाइसली डिटेल आंसर. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन और द थर्ड क्वेश्चन 30 मार्क्स क्वेश्चन, ऐसे 20 मार्कर क्वेश्चन. उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन, दैट इज एक्चुअली द नंबर वन क्वेश्चन, स्टूडेंट ने पहले नंबर 20 मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था. इस क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय और डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड कैपिटल एंड प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो दो प्रिंसिपल पूछा गया था, लिमिटेड कैपिटल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. तो देखते हैं स्टूडेंट ने किस तरह से अप्रोच किया आंसर को. तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड कैपिटल को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट रीड द पॉइंट्स. इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह से एग्जाम्पल्स हैं.
उसके बाद देखो इधर प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी डिस्कस किया हुआ है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द पॉइंट्स फॉर डिटेल में समझने के लिए। तो एग्जांपल भी दिया हुआ है दैट कल्टीवेटिंग ए क्रॉस कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप हैव लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, ये सारी चीजें देख लेना आप, उसके बाद कंक्लूड कर दिया आंसर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, तो इट वॉज द फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रही है वाटर एब्जॉर्प्शन पे। तो देखो क्या क्या फैक्टर्स लिखे हैं स्टूडेंट ने लिखे हैं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द आंसर्स नाइसली। ओके, कोई हड़बड़ी नहीं है, आप मैं बस ओवरऑल आपको दिखा दे रहा हूँ आंसर, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। सॉइल फैक्टर में क्या क्या है, सॉइल मॉइस्चर कॉन्टेंट है, कैपिलरी वाटर है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने, लोमी सॉइल इज बेस्ट फॉर वाटर एब्जॉर्प्शन, सारी चीजें उन्होंने लिखा हुआ है, बिकॉज लोमी सॉइल में क्ले और सेंड का कॉन्टेंट दोनों साथ में रहता है। प्लांट फैक्टर भी, हालांकि ऐसे हम लोग मानते हैं कि वाटर के लिए बेस्ट वाटर सबसे अधिक ऑब्जर्व क्ले सॉइल करता है, बट ऑब्वियसली कल्टीवेशन के तौर से आप देखो तो लोमी सॉइल इज द बेस्ट। फिर प्लांट फैक्टर भी इन्होंने लिखा हुआ है, ट्रांसपीरेशन रेट, ये सारी चीजें लिखी हुई है। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट इज ह्यूमिडिटी लेवल, टेम्परेचर लेवल, विंड फैक्टर, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन, और इन्होंने सबको अच्छे से मेंशन किया हुआ है। So you can read, pause the video and read the answers. So this was a very nicely written answer by the student, and I hope by reading these answers you can also develop a mindset. आपके भी दिमाग में कुछ points आती होंगे, आप भी समझ पाते हो किस तरह से answer को structure करना, कितने अच्छे से structured answer था, you can also see that. So these can help you. और जो जो इस phase में join कर पाए ठीक है, जिनको next phase में join करना है तो वो next test series जो है वो ये test series ये session खत्म होने के बाद start होगी। तो अभी आप अच्छे से अपने basics को cover कर लो, agriculture option के syllabus को cover कर लो 2-3 महीने में, ताकि जब next test series start हो तब उसमें join करके आप भी अच्छे अच्छे answers लिख सको और अपने answer writing skill को develop कर सको। So that is all for today. I hope you liked the answer copy. So please do like the video. Please do share it so that जो भी नीडी स्टूडेंट्स उन तक ये सारी चीजें, ये सारे वीडियोस जो मैं मेहनत से बनाता हूँ उन तक पहुंचे। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इतने वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस आप सबके लिए बनाने में काफी हार्ड वर्क लगता है, और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि और भी ऐसे वीडियोस रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, एंड दिस वाज द वीडियो ऑफ डे 7, ये डे 7 का वीडियो है, मैंने मेंशन शायद नहीं किया, डे 7, डे 6 तक कर दिया था हमने, दिस वाज द वीडियो ऑफ डे 7। So that is all for today. Have a nice day. Thank you.